हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी हूँ मैं ऑटो में और हूँ बोरिंग रोड चौराहा पे। मैंने सोचा है कि ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऑटो से ही। वैसे मैं जा रही हूँ खेतान मार्केट। मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मुस्कान के साथ। और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, सो मैं खा रही हूँ डेयरी मिल्क। बहुत दिन हो गए थे और मेरा मूड भी उड़ा था डेयरी मिल्क खाने का, सो मैंने दो खरीदा है, एक अपने लिए एक मुसो के लिए। सो मुसो भी खुश हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ सुपर खेतान मार्केट, खेतान सुपर मार्केट या खेतान सुपर मार्केट, जो भी निकल जाए मुँह से, है तो खेतान में ही, खेतान मार्केट ही नाल मार्ग से। और मिलिए मुस्कान से। हेलो गाइज, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं आप पूजो को? सब्सक्राइब करें, देख के ना भागा करें। हाँ, और साथ में मुस्कान को भी, बिहारी मुस्कान, बिहारी मुस्कान जी। सो आज हम लोग एकदम सेम हो गए, दोनों बहन जैसे लग रहे हैं। यस, ब्लैक जीन्स, पिंक टॉप, इज नॉट अ पिंक, इज अ लाइट पिंक और पीच कलर ऐसा है। बट कैमरा सेम लग रहा है। यस, मैं आपको रबर बैंड दिखा दूँ, ये देखिए सेम। तो मैं एक वाइट कुर्ती देख रही हूँ अपने लिए, वो भी पूरे लॉन्ग में जींस के ऊपर पहनने के लिए। तो ये वाला मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसका जो वर्क है, धागा वर्क है, कितने का है ये? 650 का है। और ये प्योर कॉटन है। तो मैं दो चार डिज़ाइन और देख लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं लूँगी। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे कुर्तियाँ लगी हैं। एक तो कुर्ती मुझे चाहिए ही चाहिए वाइट में। अच्छा, वाइट आप लोग सेट भी रखते हैं, कितने का पड़ता होगा पूरा सेट, ऊपर से नीचे तक वाइट दुपट्टा के साथ? 1200 रुपये। अच्छा, एक सेट दिखाइए ना मुझे। अच्छा, ये वाला है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। तो ये जो दुपट्टा है अलग कलर में है, और पैंट और ये सूट एक कलर में है। ये वाला भी प्यारा लग रहा है। यही 1100-1200 का पड़ेगा, यही ना? 1250 का, 1150। अच्छा अच्छा, ये 1250, ये 1150। ओके, ये भी ले सकते हैं, और चाहे तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो वाइट है ना, अच्छा लग रहा है। मुसो, ये जीन्स पे अच्छा लगेगा ना? हाँ। मेरे को नेवी ब्लू जीन्स पे पहनना है, ब्लू जीन्स पे, ब्लैक पे भी, ये तो सब पे चला जाएगा। सब पे चला जाएगा। एक लॉन्ग कुर्ती चाहिए पूरा नीचे तक का। सो मैं मुसो से पसंद करवाती हूँ और प्राइस भी करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। हमारे लिए नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? ऑप्शन में एक और कुर्ती निकला है, ये वाला, तो मुस्कान ने पहले ही मना कर दिया, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सिंपल एंड सोबर ढूंढ रही हूँ, मुझे पहले वाला ही कुर्ती काफ़ी अच्छा लगा, फर्स्ट वाला। मुसु को भी वही पसंद आया है। और ये वाला भी देख ही लेते हैं, ये भी ठीक है, बट स्कूल ड्रेस टाइप का लग रहा है ना नीचे से। मेरा दिल उसी पे आया है, बट है कि जो वाइट है ना, जल्दी गंदा होता है। फाइन किया गया, बहुत अच्छा काम किया गया है। इसका ही दाम तुड़वाते हैं फिर। तुड़वा के इन्होंने इसका आखिरी बोला है 5, बट मैं 4 बोल रही हूँ। सो हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ओके, ना आपका ना मेरा 450 इसका। तो आप लोग बताओ कैसा लगेगा मुझ पे? वाइट है, अच्छा ही लगेगा या? तो मुसो ठीक है ना इसकी लंबाई वगैरह? अच्छा, एक्सचेंज करोगे ना आप, मान लो साइज वाइज का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? ओके, थैंक यू। ये वाला जो कुर्ती है बहुत ही प्यारा लग रहा है, कॉटन में है। मुस्कान को भाग गया है, सो मुस्कान इस टाइप का सोच रही है कुर्ती लेने के लिए। अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है ना, तो ये लेगी। तो चल के पूछते हैं कि क्या कर रही है, क्या देख रही है, वो कौन सा है? और उसी का ये, उसी का ना ये सारे कलर हैं जो मैंने आपको दिखाया, जो डमी पहन रखा था। पक्का लेना ही लेना है? देखते हैं, पसंद आ जाते हैं। पसंद तो आया ही है आपको, उधर वाला पीला वाला। एक कुर्ती है आपके पास इसमें का, मैंने देखा है शायद। अब वो मेरे में नहीं हट रहा, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, सॉरी मैंने नहीं कहा। दुख। हाँ वही मैं सोच रही हूँ, कहीं तो देखा हुआ है। प्यारा लग रहा है मुस्कान, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। शीशा है? मैं देख रही हूँ ना। कितने का है ये वाली कुर्ती? 850। बापरे, हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। मुस्कान ने वो वाला सूट ले लिया जो मैंने आपको दिखाया था पहला, 500 में, पूरे 500 में ली है। उससे कितना बोला था? 850 बोला था, बट 500 में दिया, क्योंकि ये थी तो बार्गेनिंग हो गया। अगर मैं रहती तो उसको बोलती 850 का, ठीक है तो 700 में दे दो। सच में मुझे बार्गेनिंग करने नहीं आता। हाँ, एक बार और कराया था ना मैंने सूट का। हाँ, मेरा बार्गेनिंग स्किल पता है कहाँ काम आता है? दिल्ली में। दिल्ली में जैसे बोलते हैं ना 1000 रुपये, मैं बोलते 300 रुपये। यहाँ पे नहीं हो पाता वो वाला, यू नो, एक थोड़ा सा शर्म आ जाता है कि इतना बार्गेनिंग कैसे कराया, ऐसा हो जाता है।
बट ठीक ठाक मिल गया, अच्छा था, मुझे भी वो पसंद आया, बट अभी मेरे पास बजट नहीं है सो मैंने नहीं लिया। अभी हम दोनों आए हैं चाट खाने के लिए, सो हमारा चाट बन रहा है, खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। मुस्कान को लेना है एक ब्लाउज, ब्लैक ना, हाँ ब्लैक ब्लाउज लेगी मुसु, उसके बाद से हम लोग भागेंगे घर पे क्योंकि बहुत समय से हम लोग मडरा आ रहे हैं। तो हम लोग आए हैं एक दुकान में और यहाँ से मुस्कान ले रही है ब्लाउज, उसको चाहिए ब्लैक ब्लाउज और वो भी फुल बाजू का। सो अब वो देख रही है, नहीं पसंद आया, ज़्यादा प्राइस है, ओके कौन सा हाफ, नहीं इनको फुल बाजू चाहिए, है आपके पास 450, बहुत ज़्यादा है, ये थ्री हाफ है ना, फुल तो नहीं है ना, थ्री हाफ है, फुल चाहिए ना, ये भी ले सकते हैं। ओके तो हम लोग प्राइस तोड़वाते हैं फिर। तो फाइनली मुस्कान ने एक ब्लाउज ले ही लिया और जो इसका बाजू है वो नेट का है बट बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। इसका जो प्राइस है फिक्स है 250 का है, उस वाले से बेहतर है ना। यस, तो फाइनली शॉपिंग डन डन। तो अभी इवनिंग हो गया है, 7 से ज़्यादा हो रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ, सो मैं घर भाग भाग के आई हूँ, बहुत सारा सामान खरीदा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं लेट थी। हाँ मैंने केक लिया है, पनीर लिया है, शिमला मिर्च लिया है और हरा मिर्च लिया है क्योंकि भोला भाई की फैमिली आ रही है, सो हम लोग बनाने वाले हैं जीरा राइस एंड पनीर और केक क्योंकि भोला भाई की वाइफ को पसंद है, सो मैं केक लेके आई हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखो।